फ्रेंड्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले 6 दिसंबर 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से, वहां पर मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एमपीजी के और साइंस के क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 6 दिसंबर 2019 के। लास्ट वीडियो हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर मैं डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में स्वदेशी विश्वास दिवस 2019 कहां मनाया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के तेजू में, अरुणाचल प्रदेश में कहां पर? तेजू में। अरुणाचल प्रदेश के तेजू में स्वदेशी आस्था दिवस 1 दिसंबर 2019 को मनाया गया। कब मनाया गया है? 1 दिसंबर 2019 को मनाया गया है, ठीक है। और इस दिवस का जो उद्देश्य है वह राज्य की समृद्ध संस्कृति और पहचान को संरक्षित करना है। और इस समारोह की अध्यक्षता तेजू विधायक करीको क्री ने की थी। किसने? इस समारोह की अध्यक्षता तेजू विधायक करीको क्री ने की थी। करीको क्रीन, ठीक है। और इस कार्यक्रम का आयोजन तेजू के इंडिजीनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया गया था, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिए, IFCSAP, ठीक है। इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इतने पॉइंट इस पॉइंट से कवर होते हैं तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नई दिल्ली में किसने नई रोटा वायरस वैक्सीन रोटावेक 5D लॉन्च की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में भारत बायोटेक द्वारा डिजाइन और विकसित की गई रोटा वायरस वैक्सीन रोटावेक 5D लॉन्च की। वो भारत 2022 तक डायरिया के कारण बच्चों में रुग्णता और मृत्यु दर को समाप्त करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। वो पहली पीढ़ी रोटा वायरस वैक्सीन रोटावेक को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है। नई दिल्ली में किसने नई रोटा वायरस वैक्सीन रोटावेक 5D लॉन्च की? तो आपको आंसर करना है, वेंकैया नायडू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को रोम इटली में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन में मनाया जाता है। रोम इटली में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन में मनाया जाता है, ठीक है। और 2019 की जो विषय है वो मैं यहां नोट डाउन कर देता हूं। 2019 की जो विषय है वो है मिट्टी का कटाव रोके हमारा भविष्य बचाए, ठीक है, बचाए। और इस दिन का उद्देश्य स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को रोम इटली में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन में मनाया जाता है,
और 2019 का जो विषय है वो है मिट्टी का कटाव रोके हमारा भविष्य बचाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 दिसंबर। 5 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस विश्व भर में हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है और 2019 का जो विषय है वो है समावेशी भविष्य के लिए स्वयं सेवक है। 2019 का जो विषय है वो आप नोट कर लीजिए, समावेशी भविष्य के लिए स्वयं सेवक। और यह विषय सतत विकास लक्ष्य 10 और समानता के अनुसरण सहित स्वच्छता के माध्यम से समावेश पर प्रकाश डालता है और दिसंबर 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार इस दिवस की मंजूरी दी। कब? 1985 में दिसंबर में। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूँ, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस विश्व भर में हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है और 2019 का जो विषय है वो है समावेशी भविष्य के लिए स्वयंसेवक है। यह विषय सतत विकास लक्ष्य 10 और समानता के अनुसरण सहित स्वच्छता के माध्यम से समावेश पर प्रकाश डालता है और दिसंबर 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार इस दिवस की मंजूरी दी। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है रेलवे के किस सेंट्रल स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे के मुंबई सेंट्रल स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया और 2018 में लॉन्च किए गए ईट राइट इंडिया आंदोलन के एक हिस्से के रूप में फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसे 4 स्टार रेटिंग दी गई है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश का पहला ईट राइट स्टेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन देश का पहला ईट राइट स्टेशन है। ईट राइट स्टेशन है, ठीक है, और इसका आंकलन खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता आदि के अनुपालन के आधार पर किया गया। ठीक है, तो रेलवे के मुंबई सेंट्रल स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यह याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फूड शो किस राज्य में शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेघालय। मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय में इस क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा फूड शो 3 दिवसीय, कितने दिन का है? 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट फूड शो शिलोंग के पोलो ग्राउंड्स में शुरू हुआ। कहां पर हुआ है? मेघालय के कैपिटल शिलोंग में। ठीक है, और यह शो पूर्वोत्तर के उद्यमियों के लिए खाद और पेय उद्योग के राष्ट्रीय और वैश्विक प्रमुखों के साथ मिलने और बातचीत करने का एक मंच है। और यह मेघालय सरकार द्वारा SIAL इंडिया के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट फूड शो किस राज्य में शुरू हुआ है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर करना है मेघालय। और मेघालय में कहां पर? शिलोंग के पोलो ग्राउंड्स में। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में सौराष्ट्र तट पर, कहां पर? गुजरात के कौन से तट पर? सौराष्ट्र। गुजरात में सौराष्ट्र तट पर एक हड़प्पा स्थल लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना जल्द ही की जाएगी। वो संग्रहालय समुद्री इतिहास, नाव निर्माण की पुरातत्व और व्यापार सामग्री के पुनर्निर्माण के लिए पानी के नीचे पुरातत्व का एक स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र भी होगा और इस संग्रहालय को पुर्तगाली समुद्री विरासत संग्रहालय की तकनीकी मदद से स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो आपको आंसर करना है गुजरात। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चार प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मालदीव। मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चार प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इन परियोजनाओं में से एक में माले में एलईडी लाइट्स लगाना शामिल है और एक अन्य परियोजना मालदीव में रुपे कार्ड का शुभारंभ है और तीन मत्स्य प्रसंस्करण संयंत्रों का उद्घाटन किया गया और एक फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट मालदीव को उपहार में दिया गया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चार प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए आज का क्विज का क्वेश्चन देख लीजिए। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में नई दिल्ली में किसके द्वारा भारतीय पोषण लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज का आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और कुछ चेंजेस करना है वीडियो में तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।